हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सविता आज की क्लास में प्रोराटा से रिलेटेड एक और एग्जांपल करेंगे, जिसमें एग्जांपल वन और एग्जांपल टू को मिक्स करेंगे। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे, तो करते हैं बेटा। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए। एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर, पब्लिक अप्लाइड 60,000 शेयर्स, एक्स लिमिटेड रिजेक्टेड 10,000 शेयर। एक्स लिमिटेड ने बेटा देखिए पब्लिक ने अप्लाई किया 40,000 के लिए, सॉरी इशू किया, एक्स लिमिटेड ने 40, पब्लिक ने अप्लाई किया 60 के लिए, और एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए एंड अलोट रिमेनिंग शेयर ऑन द प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस पे क्या कर दिया, उसको अलॉट कर दिया। ब्रेकअप बना लीजिए बेटा, 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये एप्लीकेशन के साथ, 3 रुपये अलॉटमेंट के साथ, 4 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, है क्या ये। टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आई 60,000 की, जिसमें से हमने क्या किया, पहले वाले में 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। 10,000 शेयर्स को जिन्होंने जो अप्लीकेंट थे 10,000 शेयर को, उनको हमने अलॉट किए 0 शेयर, ठीक है, मतलब रिजेक्ट कर दिया, जो हमने एग्जांपल 1 में बेटा किया था, आपको ध्यान होगा। दूसरी तरफ आते हैं, जिन अप्लीकेंट ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने कितना शेयर अलॉट कर दिया, 40,000 शेयर अलॉट कर दिया। मतलब अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूँ प्रोराटा रेशो क्या होगी, तो प्रोराटा रेशो क्या हो जाएगी, 5:4, मतलब 50 और 40 का रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगी, 5:4। तो ये बेटा हमने एग्जांपल 2 में किया था, ठीक है। अब ये दोनों मिक्सअप हैं, तो मिक्सअप से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये वाला करेंगे तो समझ आएगा आपको। देखिए अभी जो प्रोराटा रेशो मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ, इसका अभी इन क्वेश्चन में यूज नहीं है, लेकिन आगे अभी जब क्वेश्चंस आएंगे थोड़े और एडवांस लेवल के, उसमें इनका यूज होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसकी जनरल एंट्री बनानी शुरू करते हैं, कैसे बनेगी देखिए। एप्लीकेशन के साथ कितने हैं, 3 रुपीज हैं, और एप्लीकेशन कितने की आई है, 60,000 की। तो देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 180 टू शेयर एप्लीकेशन। 180 क्यों बेटा, क्योंकि 60,000 शेयर्स के साथ अप्लाई किया है पब्लिक ने, 3 रुपये हमने मंगा रखे हैं, तो 6 3 18, मतलब 180 लाख। अब इसको करेंगे एडजस्ट, तो यहाँ पर तो नॉर्मल था, आपको आता है, यहाँ पे करेंगे एडजस्ट। तो कैसे करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन कितने का है, 180 का है, तो क्या पूरा का पूरा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते। रीजन बिंग क्योंकि हमारे पास देने के लिए तो 40,000 शेयर हैं, तो 40,000 शेयर मल्टीप्लाई में 3 कितना कर सकते हैं, 120 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10,000 शेयर्स को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, मतलब उनकी कॉल को एडवांस समझ लेंगे, एडवांस समझ के उनको हम कहाँ पे डाल देंगे, अलॉटमेंट पे डाल देंगे। तो 10,000 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से आए हैं, 3 रुपए के हिसाब से आए हैं, तो कहाँ पे डाल देंगे इनको, अलॉटमेंट पे। तो ये वाला एग्जांपल 2 में हमने किया था ऐसे, ठीक है। उसके बाद 10,000 को हमने रिजेक्ट करना है, तो हमने सीखा था एग्जांपल 1 में, टू बैंक अकाउंट 30,000। तो 10,000 शेयर को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एंट्री नंबर 3 ड्यू करेंगे अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120, मतलब जो 40,000 शेयर हैं, क्योंकि इशू तो 40 कर रखे ना, तो 40 मल्टीप्लाई में अलॉटमेंट के साथ मनी कितनी है, 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 120 मांगेंगे तो पूरा पैसा, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब आपको ये पता है बेटा कि पब्लिक ने ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है, 30,000 रुपीज़ एडवांस में दे रखा है। तो जब किसी ने एडवांस में दे रखा है तो आपको दोबारा पैसा वो नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, जो आपके पैसे आएंगे आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो 120 मांगा था लेकिन 30 पहले से आ चुके हैं, तो अब आपको कितने मिलेंगे, 90,000 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद
फर्स्ट कॉल के साथ बेटा कितना है, 4 रुपये है, तो 40,000 4 रुपये के हिसाब से मंगा लीजिए बेटा, कितनी मनी आएगी, सिंपल है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 मल्टीप्लाई में 4, 160 आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल 160 आ जाएगा। ये तो हमने कर दिया ड्यू। उसके बाद बेटा अब हमें हो जाएगा रिसीव्ड, तो रिसीव्ड कैसे करेंगे देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 160 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ये हमने कर लिया इसको रिसीव। तो ओवरऑल बेटा ये क्वेश्चंस था आपका, ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चंस था जिसे हमें समझना था। अब जो अगला टॉपिक हम करने वाले हैं वो बेटा है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल करवा दूं अंडर सब्सक्रिप्शन का, तो आपको समझ आ जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन है क्या। देखिए आज कर लेते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन, और इसी में डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी के लिए बहुत ही बैड सिचुएशन होती है, तो कैसे देखिए, एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं, इशूड मान लीजिए 10,000 शेयर्स के लिए, बट पब्लिक अप्लाइड ओनली फॉर रुपीज 8,000 शेयर्स। तो 8,000 शेयर्स के लिए क्या रखा है, पब्लिक ने अप्लाई कर रखा है और इसने इशू कर रखे हैं 10,000 शेयर। ब्रेक बना लीजिए, 10 रुपये का एक शेयर है, तो हम मान लेते हैं कि हमने एप्लीकेशन पे बेटा 5 रुपये मंगा ली, अलॉटमेंट पे हमने 3 रुपये मंगा लिए, फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपये मंगा लिए, ठीक है। तो ये मनी हो गई एप्लीकेशन की, ये हो गई अलॉटमेंट की, ये हो गई फर्स्ट कॉल की। तो अब देखिए इसमें एक एंट्री सिंपल सी करनी है। अब आपको एंट्री जिसमें बिल्कुल आपको आती ही हैं सारी की सारी, थोड़ा सा मैं बता दूंगा तो आपको आ जाएगा। देखिए पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो अब यहां पे बेटा मल्टीप्लाई कितने से होगा, 5 का, देखिए 8,000, क्योंकि 8,000 शेयर के ही पैसे आए हैं, तब आप 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे ना कि 10,000 से, बस इतना चेंज होने वाला है यहाँ पे, और कुछ नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो कितने होंगे बेटा, 40,000 और 40,000, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सा इसको ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, 40,000 और 40,000। अब ड्यू भी इतने से ही करोगे थर्ड एंट्री में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू कर दीजिए 24,000। मतलब अब जहां पे 10,000 से मल्टीप्लाई होना था वहां पे अब 8,000 से मल्टीप्लाई होगा, बस इतना चेंज आना है एंट्रीज में और कुछ भी चेंज नहीं आना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो आई थिंक बेटा अब आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन में हम क्या करने वाले हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या सिचुएशन होती है कंपनी के लिए, मतलब जब कंपनी ज़्यादा शेयर इशू करे और पब्लिक उसके अप्लाई कम शेयर के लिए कर दे, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन।
तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन होती है। तो इसी तरीके से आप आगे करते चलोगे। सो ऑन, मतलब जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है वो भी ऐसे ही हो जाएगी। तो उसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, बाकी आपको आता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी क्या करती है, ज़्यादा शेयर के लिए ज़्यादा शेयर इशू करती है, लेकिन पब्लिक कम शेयर के लिए अप्लाई करती है। तो बेटा आज के लिए इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडवांस टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।